गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें हमने रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती अच्छे से समझाए हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। रैखिक वो होते हैं जहां बहुपद की घात होती है 1, द्विघाती वो होते हैं जहां बहुपद की घात होती है 2, त्रिघाती वो होते हैं जहां बहुपद की घात होती है 3। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। पहला इसमें भाग है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यदि आप यहां देखें x की पावर है 2 और x की पावर है 1, तो दोनों में से बड़ा है 2, तो आप यहां लिखिए इस बहुपद की घात कितनी है। बहुपद की घात यानी एक्स वाई जेड जो भी है उसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात। तो यहां x है, x की सबसे बड़ी घात है 2, तो बहुपद की घात होगी 2। और यदि यहां बहुपद की घात 2 है तो यह द्विघाती बहुपद है। यहां लिख दो यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से सेकंड भाग है x माइनस एक्स की पावर 3। तो यहां देखिए आप बहुपद की घात एक्स वाई जेड की सबसे बड़ी पावर कितनी है, देखो यहां है 1 यहां है 3, x की पावर सबसे बड़ी पावर है 3, तो बहुपद की घात होगी 3, तो यह त्रिघाती बहुपद है। अगला है y प्लस y की पावर 2 प्लस 4। यहां y की पावर है 1, y की पावर है 2, यहां y की पावर है 0, तो सबसे बड़ी पावर है 2, तो आप लिखिए बहुपद की घात बराबर है 2, इसका मतलब यह है द्विघाती। नाम से ही पता चल जाता है द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, रैखिक मतलब 1, यह द्विघाती बहुपद है। इसके बाद है अगला 3t। एक ही पद है, चर है t, उसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1, तो बहुपद की घात बराबर 1। यदि यह बहुपद की घात 1 है तो यह रैखिक बहुपद है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से अगला है आर स्क्वायर। यहां चर है r, उसकी जो घात है वो है 2, तो बहुपद की घात बराबर 2, तो यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में ये देखा कि कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती हैं। थैंक यू बच्चों।